59 एप्लीकेशन हुए बैन। सभी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अभी अभी न्यूज मिला है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से सारे ऐप बंद कर दिए गए चाइनीज। तो आप भी अनइंस्टॉल कर दो, अपने फोन में हो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो जाके, डायरेक्ट डिलीट कर दो टिकटॉक, हेलो, जितने भी एप्लीकेशन है, मैंने खुद रिव्यू किया है, ठीक है, हेलो एप्लीकेशन का, सब भी एप्लीकेशन डिलीट कर दो, ठीक है। आप देख रहे हो टेक्निकल एसएमएस चैनल, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे क्या होगा, जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस, मेरा एक सेकंड चैनल, उस पर डेली स्टेटस आता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, डेली स्टेटस पाने के लिए उधर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और एक मेरा न्यू वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट को आप जाकर चेक कर सकते हो, उस पर टेक्निकल जो भी आता है सबसे पहले उधर अपडेट कर देता हूं। और आज बात करने वाले 59 ऐप अभी अभी बैन कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, आप देख सकते हो ये न्यूज, ठीक है। और सारे एप्लीकेशंस के नाम मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एक करके, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और जितने भी लोग इस एप्लीकेशंस को यूज करते हो, ठीक है, तो जाके सबसे पहले डिलीट कर दो, क्योंकि चाइनीज ऐप जो होते हैं उससे आपको क्या होता है, आपका फोन भी हैक हो सकता है। कोई भी फोन हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, मैं खुद रियलमी यूजर हूँ, ठीक है, ये सभी फोन्स चाइना के हैं, ठीक है। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, इधर देख सकते हो साइड पे, ये सभी फोन्स चाइना के, जितना भी हो सके इन फोनों को अभी नहीं खरीदना है। और जितने भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, जैसे कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा टिकटॉक यूजर्स है, तो जितने भी टिकटॉक यूजर्स है सभी जाके टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो, अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी लोग सोचेंगे वीपीएन से यूज करेंगे, इससे यूज करेंगे, कोई फायदा नहीं, इंडिया ने बैन कर दिया ऑफिशियली अभी, तो सारे एप्लीकेशन देख सकते हो, ये सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। गवर्नमेंट ने जो जो एप्लीकेशंस बैन किए उसमें से एक है टिकटॉक, सैरेट, कवाई, फिर यूसी ब्राउज़र, फिर क्लैश ऑफ क्लैंस, क्लैश ऑफ ड्यू टू बैटरी, हल्लो, फिर मेकअप का कुछ है एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन पूरा लिस्ट दे रहा हूँ, देख सकते हो स्क्रीन पे, ये पूरा लिस्ट है, ठीक है, एप्लीकेशंस का। इस सारे एप्लीकेशन को अभी डिलीट कर दो, ये एप्लीकेशन अभी इंडिया में बैन कर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, ठीक है, सभी के लिए। तो और अपना जो डेटा होता है, पर्सनल डेटा, वो बहुत ही कीमती होता है, वो चाइना को जो होता है सब हैक कर लेते हैं और डार्क वेब में सब डाल देते थे। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था, डार्क वेब में कोई एक पर्सन है, उसका डेटा लीक हुआ था। ऐसे ही बहुत सारे डेटा लीक होते हैं डेली बेसिस पे, और चाइना के जो हैकर्स हैं वही लोग करते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो भी एप्लीकेशंस हो स्क्रीन पे, जितनी भी एप्लीकेशंस दिख रहे हो, सभी के सभी डिलीट कर दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से लेटेस्ट न्यूज़ सभी इस चैनल में मिलता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को मुझे मोटिवेट हो इसीलिए इस वीडियो को लाइक भी कर देना। बस इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।